नमस्ते, आई एम डॉक्टर उत्कर्ष अग्रवाल, आई एम एन ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, एंड आज हम बात करेंगे कि सर्दी के मौसम में आप अपनी और अपनी प्रेगनेंसी की देखभाल कैसे कर सकती हैं। तो सर्दी का मौसम बहुत अच्छा होता है क्योंकि आपको रजाई में बैठे रहने को मिलता है, आपको आराम करने को मिलता है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। हमारे पास जो सबसे कॉमन चैलेंज सर्दियों की दिक्कत जो आती है, सर्दियों में जो पेशेंट सबसे कॉमन दिक्कत लेके आती है वो है फ्लू की। तो फ्लू यानी सर्दी जुकाम जो हो जाता है सबसे कॉमन प्रॉब्लम है जो सर्दियों में होता है। क्यों? क्योंकि एक प्रेगनेंसी इट्सेल्फ इज एन इम्यूनो डेफिशिएंट स्टेट, यानी कि आपकी बॉडी का जो रेजिस्टेंस है, जो इन्फेक्शन फाइट करने की जो पावर है आपकी बॉडी की, वो नेचुरली कम हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एंड उसके ऊपर सर्दियों में भी प्रीडिस्पोजिशन होता है टुवर्ड्स डेवलपिंग कोल्ड या टुवर्ड्स डेवलपिंग फ्लू। तो कंबाइंड फैक्टर की वजह से फीमेल्स को, स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज को, फ्लू होने का चांस सबसे ज़्यादा होता है। तो इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे? इसके प्रिवेंशन के लिए प्रेगनेंसी में आपको फ्लू की वैक्सीन लेनी चाहिए। इट इज़ कम्प्लीटली सेफ एंड नाउ इट इज़ रिकमेंडेड फॉर एवरी प्रेगनेंट फीमेल कि आपको फ्लू की वैक्सीन ले लेनी चाहिए, जिससे आपको फ्लू ना हो। इससे जो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनेंगी दैट विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू योर बेबी एज वेल। जो अगली परेशानी सबसे कॉमनली प्रेगनेंसी के दौरान सर्दियों में हमें देखने को मिलती है, दैट इज हाइपरटेंशन, यानी कि हाई बीपी। नॉर्मली प्रेगनेंसी में बीपी लो हो जाता है, लेकिन अगर आपके पास ऐसे कोई रिस्क फैक्टर्स हैं, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, या आपको पिछले बच्चे में हाइपरटेंशन रह चुका है, या फिर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, बहुत जल्दी प्रेगनेंसी हो जाती है, बहुत लेट प्रेगनेंसी होती है, इन सारे फैक्टर्स की वजह से हाई बीपी या हाइपरटेंशन होने का खतरा ज़्यादा रहता है, और ये खतरा सर्दियों में ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हाइपरटेंशन अवॉइड करने के लिए क्या करें? सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। सर्दियों में सबसे कॉमनली क्या होता है कि सर ठंड हो रही है तो हम रजाई में घुस के बैठ जाते हैं, हम कंबल के अंदर घुस के बैठ जाते हैं, हम बाहर नहीं निकलते हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटी लेवल कम हो जाता है। हम लोग बाहर नॉर्मली अगर आप टहलने के लिए जाते हैं तो वो भी हमारा बंद हो जाता है, तो हम घर में बैठे रहते हैं, हम एक जगह बैठे रहते हैं, उसकी वजह से मोटापा बढ़ जाता है। एंड वंस मोटापा बढ़ जाता है उसके बाद तो फिर सारी चीज़ें बढ़ी जाती हैं। तो हाइपरटेंशन के लिए हमें लो सॉल्ट डाइट लेनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप नट्स नहीं खा सकते या कोई और ऐसे आइटम्स नहीं खा सकते जो कि सर्दियों के लिए बने हैं। आप बिल्कुल खा सकते हैं, बट मॉडरेशन इज द की। घर पे बैठे बैठे अपना बीपी नापिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन रखिए, अपने आप को एक्टिव रखिए। आप घर पे बैठ के योगा कर सकते हैं, घर पे बैठ के बहुत सारी वॉक एट होम टाइप की एक्सरसाइजेस आती हैं वो कर सकते हैं। और अगर आपको बीपी की परेशानी हो चुकी है तो अपना बीपी टाइम टाइम पे घर पे ही नापते रहिए। आपके डॉक्टर अक्सर आपको एक डायरी बनाने को बोलेंगे, तो आपको अपनी बीपी की डायरी मेंटेन करके रखनी है एंड हर विजिट पे आपको वो डायरी डॉक्टर को दिखानी है एंड अपनी दवाइयाँ टाइम से ज़रूर लेते रहिए। सर्दियों में तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि अगर चोट लग जाती है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो हाउ डू वी प्रिवेंट इट? सबसे ज़रूरी चीज़ है फुटवेयर। यू नीड टू हैव अ वेरी गुड फुटवेयर जिससे कि स्लिप ना हुआ। अगर आप ऐसे एरिया में रह रही हैं जहाँ बर्फ पड़ती है तो बर्फ में स्लिप होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। तो अपना फुटवेयर ऐसा रखिए कि आप स्लिप ना हो, आपको चोट ना लगे। चौथी चीज़, अगर सर्दियों में कुछ लोगों का मानना होता है कि बेबी को ब्लड फ्लो कम जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बॉडी अपनी ब्लड फ्लो मेंटेन करके रखती है, जितना बेबी को ब्लड फ्लो जाना चाहिए वो उसको मिलता रहता है। बच्चे पे सर्दी की वजह से कोई असर नहीं पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फूड के बारे में। तो फूड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। फूड एंड न्यूट्रिशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी केयर। तो हमारे पास जब भी कोई प्रेग्नेंट फीमेल आती है, हम इन जनरल उनको बोलते हैं कि अपनी डाइट में प्रोटीन आपको ज़्यादा रखना है।
सर्दियों में क्योंकि कैलोरी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, हीट जनरेशन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है बॉडी की, इसलिए आप नॉर्मली नॉर्मल से ज़्यादा खाना खाते हैं, विच इज़ नॉर्मल। बट साथ ही साथ ये बात का ध्यान रखिए कि आपके हर मील में प्रोटीन इंक्लूड होना चाहिए। अगर आप रोटी खा रहे हैं तो रोटी में हाफ गेहूं और हाफ चने का आटा मिला लीजिए, जिससे आपका प्रोटीन बढ़े। ट्राई टू इंक्लूड वन पोर्शन ऑफ प्रोटीन इन एवरी मील दैट यू आर हैविंग, यानी कि हर बार अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दाल, स्प्राउट्स, चने, राजमा, बीन्स, ये सब चीज़ें ज़्यादा खाइए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं या एगिटेरियन हैं तो वन एग डेली। नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं प्रोटीन के, तो ट्राई टू इंक्लूड वन पोर्शन ऑफ प्रोटीन इन एवरी मील दैट यू हैविंग, इन एवरी स्नैक्स दैट यू हैविंग। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लीजिए, एंड जो चीज़ें सर्दियों के लिए बनाई गई हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स हमें हमेशा से खिलाते आ रहे हैं सर्दियों में, जैसे नट्स हो गया, जैसे तिल हो गया, और जितनी भी गर्म चीज़ें हम खाते हैं, ये सारी चीज़ें आप डेफिनेटली खा सकते हैं, बल्कि ये सारी चीज़ें आपको सर्दियों में फ़ायदा करेंगी। तो ईट लोकल, जो भी आपके जगह पर इजीली अवेलेबल है लोकल फूड्स आपको खाने हैं, एंड ईट अकॉर्डिंग टू द सीजन, यानी कि सर्दी में जो हीट प्रोड्यूसिंग फूड्स हैं वो आपको ज़्यादा खाने हैं। सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको इससे फ़ायदा मिला होगा। अगर आपके कोई कॉमेंट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, वो आप हमसे डेफिनेटली पूछ सकते हैं, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच अपडेट्स। थैंक यू।